नमस्कार दोस्तों, इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आए हुए एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए चलते हैं छत पे, वहाँ पे हम बना के रेसिपी। हम आ गए हैं अपने छत पे, तो यहाँ पे हमने छोटा वाला चना लिया हुआ है 1 किलो, और यहाँ पे हमने आधा किलो साबुत मूंग लिया हुआ है मार्केट से, और यहाँ पे हमने 1 पाव सोयाबीन का दाना लिया हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें साफ पानी से धोकर इसे भिगो देना है। तो सबसे पहले हम चना को धुलेंगे। तो 1 किलो हमारा चना है, आधा किलो मूंग है, और 1 पौवा सोयाबीन है। तो इसे हम 1-1 पानी तीनों को धोएंगे, उसके बाद इसे हम धुलेंगे। पानी को हम फूलों में डाल देंगे। तो चना को हमने धो लिया है, अब हम मूंग को धोएंगे। तो अब हम सोयाबीन को धोएंगे। तो चने में हम पानी डाल देंगे। तो चना को हमें बहुत ही अच्छे से फुलाना है, तो पानी डालकर इसे हम 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये पूरी तरह से फूल जाए। मूंग में भी पानी डाल देंगे और सोयाबीन में भी। तो तीनों चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से फुलाना है, तो इसे हम 5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 घंटे बीत गए हैं, चना मूंग और सोयाबीन हमारा पूरी तरह से फूलकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम चना और मूंग और सोयाबीन से पानी अलग करते हैं। तो यहाँ पे हमने बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी के ऊपर हमने सूती कपड़ा बिछाया हुआ है, तो इसी के ऊपर हम चने को छानेंगे। तो रुमाल को हम पूरी तरह से पानी से भिगो लेंगे, क्योंकि इसमें नमी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तब यहाँ पे हम एक गट्ठी मार देंगे। तो अब हम मूंग को छानेंगे, तो हम पानी से अलग कर लेंगे। तो इसे भी हम पानी में अच्छे से डुबो देंगे, ताकि रुमाल पूरी तरह से पानी को सोख ले, गीला हो जाए। अब इसे भी हम गांठ मार देंगे, दोनों को पोटली बना लेंगे। हमने चना और मूंग को पानी से अलग करके पोटली बना लिया है सूती कपड़े में, और उसी तरह हम सोयाबीन को भी पानी से अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है, सोयाबीन को हम मिट्टी के बर्तन में रख देंगे। सोयाबीन को हम सूती कपड़े से ढककर रख देंगे, और सूती कपड़े को हमने पूरी तरह से भिगो लिया है। चना और मूंग को हम एक जगह पे टांग देंगे, ताकि हमारा चना और मूंग बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो जाए, और कपड़ा भी बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए। अगर कपड़ा सूख जाएगा तो हमारा चना और मूंग अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो इसे हमें बीच बीच में भिगोते रहना है, हल्का हल्का सा पानी का पुट मारते रहना है। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का सा पानी का पुट मारना है, कपड़ा ताकि पूरी तरह से भीग जाए। तो आप सब देख सकते हैं कपड़ा हमारा पूरी तरह से भीग गया है। तो आइए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें आज हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन सलाद, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो अगर आप कोई टूर या सफर में जा रहे हैं, तो आप इसे सलाद को ले जा सकते हैं, खा सकते हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। यहाँ से हम लेंगे हरा मिर्चा। तो जो मिर्चा हमने लगाया हुआ था, काफ़ी अच्छा फरा हुआ है, तो जितना हो सकता है उतना मिर्चा हमने तोड़ लिया है। और यहाँ से हम लेंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी पत्ता गोभी लगाया हुआ है, तो आप सब देख सकते हैं पत्ता गोभी बहुत ही अच्छे से पड़ा हुआ है। तो छोटा वाला पत्ता गोभी हमें चाहिए, इसे हम चाकू से काट लेंगे। यहाँ से हम लेंगे मूली। तो मूली को हम उखाड़ लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि खेत में हमारे बहुत ही अच्छा मूली पड़ा हुआ है, तो 2 मूली हमें उखाड़ना है। यहाँ से हम लेंगे पुदीना। तो पुदीना के बहुत ही अच्छे अच्छे कल्ले निकले हुए हैं, तो जितना इसे हम खोटेंगे उतना अच्छा हमारा पुदीना तैयार होगा। तो जितना हो सकता है उतना पुदीना हमने ले लिया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती ले लेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे लहसुन का पत्ता, जो हरा हरा है वही हमें लेना है। तो यहाँ से हम लेंगे चुकंदर। तो यहाँ से हम लेंगे गाजर। तो मूली के पत्ती को काट कर और सब्जियों को हम अच्छे से धो लेंगे, ताकि ये पूरी तरह से साफ हो जाए। तो 3 दिन बीत गए हैं, रुमाल के गट्ठी को हम छोड़कर देखते हैं हमारा चना अंकुरित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप सब देख सकते हैं कि चना हमारा बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो गया है। तो अब हम मूंग की गठरी छोड़ेंगे, मूंग को भी हम एक थाली में रख देंगे। तो मूंग भी हमारा अंकुरित हो गया है, तो अभी पूरी तरह से अंकुरित नहीं हुआ है। अगर 1 दिन हम इसको छोड़ देते तो पूरी तरह से अंकुरित हो जाता, तो अंकुर इसमें बहुत ही जल्द आने वाला है। किसी किसी मूंग में आ चुका है, आप सब देख सकते हैं। तो सोयाबीन हमारा पूरी तरह से फूल गया है, आप सब देख सकते हैं पूरी तरह से फूल कर रेडी हो गया है।
तो प्रोटीन सलाद बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने चाट मसाला लिया हुआ है, काला नमक है, जीरे को हमने भूनकर पाउडर बना लिया हुआ है, 3 नींबू है, और यहाँ पे हमने पुदीने की पत्ती लिया हुआ है, 1 बड़े साइज में प्याज है, धनिया की हरी पत्ती है, हरा मिर्चा है, लहसुन का पत्ता है, अदरक का टुकड़ा है, 2 मूली है, 1 चुकंदर है, और पत्ता गोभी है और गाजर है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो चना लिया हुआ है, काला वाला है, बिल्कुल अंकुर हो चुका है, 500 ग्राम साबुत मूंग लिया हुआ है, और 1 पाव हमारा सोयाबीन है, नमक लिया हुआ है। तो सलाद बनाने के लिए पुदीने की पत्ती, प्याज, धनिया की पत्ती, हरा मिर्चा, लहसुन के पत्ते को हम बारीक काट लेंगे चाकू से, और अदरक, मूली, पत्ता गोभी, गाजर और चुकंदर को हम कद्दूकस करेंगे। चलिए मिक्स सलाद बनाना शुरू करते हैं। अब गर्मियों में सलाद हर इंसान को खाना चाहिए, सलाद सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, तो सलाद बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक परात लिया हुआ है, चने को हम परात में रखेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे मूंग, अब इसमें हम डालेंगे सोयाबीन, तो अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस गाजर, कद्दूकस मूली, कद्दूकस पत्ता गोभी, अदरक, प्याज, लहसुन पत्ता, धनिया पत्ता, हरा मिर्चा, पुदीना पत्ता, चुकंदर। तो अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, तो जीरा डालने से सलाद का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, चाट मसाला डालने से सलाद बड़ा काफ़ी चटपटा आता है। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक। तो अब हम गाढ़ेंगे नींबू का रस, तो 2 नींबू का रस हम गाढ़ेंगे सलाद में। तो नींबू डालने से काफ़ी चटपटा सलाद आता है, और यहाँ पे हमने अदरक डाला हुआ है, आपको पसंद हो तो डालिए और नहीं पसंद हो तो नहीं डालिए। तो मिक्स सलाद हमारा बनकर तैयार होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सलाद कुछ ज़्यादा है तो इसे हम 2 बर्तन में करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो काफ़ी चटपटा हमारा मिक्स सलाद बनकर तैयार हो गया है। तो गर्मियों में सलाद सबको खाना चाहिए, इस सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो काफ़ी चटपटा बना हुआ है, सबको दिखाई पड़ रहा होगा, और कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है चुकंदर डालने से। चुकंदर में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। सलाद को हम 1 बर्तन में रख देते हैं, और मिलाने के लिए इसे हमने अलग अलग किया हुआ था, ताकि मिलाने में आसानी हो। सेहत से भरपूर मिक्स सलाद हमारा बनकर तैयार है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।